चुनाव ही चुनाव। एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। मानो पूरा देश चुनाव चुनाव ही खेल रहा हो। मार्च में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। अब जाकर जीते सांसद शपथ ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही तीनों राज्यों हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू होने जा रही है। देश को इसी चुनावी आपाधापी से बाहर निकालने के लिए मोदी सरकार ने वन नेशन वन पोल का मंत्र दिया है। पीएम मोदी ने पिछली पारी में ही इसकी रूपरेखा रखी थी। कठिनाइयां क्या है वो हम भली भांति जानते हैं। 2009 में करीब करीब 1000 करोड़ खर्चा हुआ लोकसभा के चुनाव में। 2014 में ये करीब करीब 4000 करोड़ पहुंचा, 1000 से 4000। इतना ही नहीं, 2014 के बाद जो असेंबली के चुनाव हुए उसमें अब तक करीब करीब 3000 करोड़ खर्चा हुआ। दूसरी पारी शुरू होते ही पीएम मोदी ने इस पर बात करने के लिए विपक्ष को न्योता दे दिया। आज शाम विपक्षी दलों के अध्यक्षों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक है। प्रधानमंत्री जी पहले भी कहते रहे हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, मीटिंग भी बुलाई गई है, क्या कहेंगे सर, क्या राय? नहीं, मुझे लगता है कि जो मीटिंग बुलाई, जो प्रयास है वो ठीक दिशा में। प्रधानमंत्री की बैठक को लेकर विपक्ष अब भी मन नहीं बना पाया है। कल संसद में इस बैठक में शामिल होने को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया गया तो वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। राहुल जी कल जाएंगे क्या मीटिंग में? आप पीएम की मीटिंग में जाएंगे सर कल? सोनिया गांधी से भी सवाल दागे गए, लेकिन उन्होंने भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक को लेकर आज सुबह 10:30 बजे विपक्षी दलों की बैठक है। इसके बाद ही विपक्ष का रुख साफ होगा, लेकिन ममता बनर्जी और टीडीपी ने साफ कर दिया कि वो प्रधानमंत्री की बैठक में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। टीएमसी का तो कहना है कि एक देश एक चुनाव पर पहले श्वेत पत्र जारी हो, संवैधानिक एक्सपर्ट के साथ बैठक हो। कुछ विपक्षी दल तो एक नेशन एक पोल को ना तो प्रैक्टिकल मान रहे हैं और ना ही संवैधानिक। हमारा मानना यह है कि ये पॉसिबल नहीं होगा। डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंस होना जरूरी है। हर वक्त सरकार को काम करते रहना पड़ेगा, विपक्ष को भी काम करना पड़ता रहेगा और आवाम को मौका मिलना चाहिए अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए। एक साथ चुनाव कराने को लेकर सरकार की अपनी दलील है। पहला तो चुनावी खर्च में कमी आएगी, फिर विकास का काम कोड ऑफ कॉन्डक्ट के पेंच में नहीं फंसेगा, सियासी कड़वाहट कम होगी। लॉ कमीशन ने पिछले साल इस प्रस्ताव में सभी दलों की बैठक बुलाई थी तो बीजेपी और कांग्रेस की राय इस पर साफ नहीं थी, जबकि चार पार्टियां AIADMK, शिरोमणि अकाली दल, SP और TRS ने इसका समर्थन किया था। वहीं 9 पार्टी TMC, आप, DMK, TDP, CPI, CPM, JDS, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक ने इसका विरोध किया था।